हेलो दोस्तों, TV24 नेटवर्क की एक नई पहल। हम नोएडा में खड़े हैं और एक अंकल जी हैं जो ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं और पक्षी प्रेमी हैं। इनने इतना अच्छा काम करा है लोगों के लिए और पक्षियों के लिए। ये देखिए, ये अंकल जी हैं। मैं अंकल जी आपसे बात करना चाहता हूँ जी, कि इससे क्या इनिशिएटिव है आपका? मैं संपूर्ण पर्यावरण प्रेमी हूँ। पानी पे, स्वच्छता पे, पेड़ पौधे, हजारों वृक्ष मेरे लगा दिए मैंने स्वयं अकेले ने। अच्छा अच्छा। और मैं लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक कर रहा हूँ। मैं अभी राजस्थान गया हूँ, राजस्थान, हरियाणा वगैरह सब जगह होकर गया। सारी जगह? हाँ, सारी जगह मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मैंने इसी 2 महीने हो गए संन्यास ले लिया बिल्कुल मैंने, यानी पर्यावरण सन्यासी हो गया हूँ मैं। जगह जगह जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कैसे हम जिंदा रह सकते हैं। अच्छा। पर्यावरण के, जब पर्यावरण है तो हमें, वरना हम नहीं जिंदा रहेंगे। तो मैं लोगों से, मेरी ये रिक्वेस्ट है और आपके चैनल से, माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप पानी को बर्बाद ना करें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उन्हें सींचें, पक्षियों के लिए घोंसले लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि पर्यावरण है तो हमें। आप ये देख रहे हैं इस समय ऑक्सीजन का लेवल क्या है, आप देखिए, एक इंसान को 50 पेड़ लगाने चाहिए कम से कम। जब एवरेज आएगा ये एवरेज में प्लस में नहीं जाएंगे हम जी, जी। तो ऐसी बहुत, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमें पर्यावरण पर करनी है। और जब तक हम पर्यावरण के बारे में, जितना हम एंटरटेनमेंट के तमाम ऐसी वैसी चीजें देखते रहते, मैं ये कह रहा हूँ कि पर्यावरण प्रेमी, जो सच्चे पर्यावरण प्रेमी है, जो पर्यावरण के काम करते हैं, उन लोगों को भी देखिए तो आपके जीवन के लिए उन्होंने क्या क्या किया और सब कुछ न्योछावर कर दिया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पर्यावरण में बच्चों को समझाएं, घर में पानी को बर्बाद ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी रहते हैं आप पानी को बर्बाद ना करें और स्वच्छता का ख्याल रखें, पक्षियों वगैरह उनके लिए घोंसले लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल।